तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो में काफ़ी ज़्यादा औसम मोड है भाई। तो आज का वीडियो में हम लोग काफ़ी ज़्यादा औसम मोड ट्राई करने वाले। तो गाइज इस मोड में क्या होता है भाई कि अगर आप लोग किसी भी मूव को किल करते हो तो वो लोग करने वाले हैं ओपी स्ट्रक्चर को स्पॉन। ओपी स्ट्रक्चर यानी कि कोई भी स्ट्रक्चर को स्पॉन कर सकते हैं रैंडमली, चाहे वो वुडलैंड मेंशन हो या फिर यहाँ पे बेस्टन हो, चाहे वो एंड सिटी ही क्यों ना हो भाई। मतलब आप लोग कोई भी मूव को किल करोगे वो आपको कोई भी रैंडम स्ट्रक्चर स्पॉन करके दे देगा। तो इस मोड में बस हम लोग को फाइंड करना भाई। हमारा मिशन है कि हम लोग एंड सिटी जा करके इलाइटर लेके आए, और एंड सिटी हम लोग स्ट्रॉन्ग होल्ड से नहीं जाने वाले, डायरेक्ट एंड सिटी को यहाँ पे स्पॉन करके इलाइटर वहाँ से लेके आना है। चैलेंज यही है, और देखते क्या हम लोग एंड सिटी को ढूंढ पाते हैं और क्या वहाँ से इलाइटर लेके हम लोग वहाँ से निकल पाते कि नहीं पाते भाई। तो चलो देखते हैं भाई साहब। तो सबसे पहले हमें इसको चीज़ें क्राफ्ट करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो हम लोग को यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को क्या, सबसे पहले क्या कर रहा हूँ मैं, सबसे पहले हम लोग क्राफ्टिंग टेबल स्पॉन करना भाई। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल ले रहे हैं। कितना बार सबसे पहले बोलूँगा मैं। ओके अभी यहाँ पे मैं स्टिक ले लेता हूँ और जल्दी से यहाँ पे हम लोग चीज़ें बना लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे को एक पिकैक्स की ज़रूरत पड़ेगी, और उसके बाद हम लोग स्टोन की टूल्स बना लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि हम लोग को ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें किल करना है सभी मॉब्स को, तो इसलिए हमें स्टोन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो जल्दी से स्टोन ले लेते हैं यहाँ से। चलो यहाँ से स्टोन ले लेते हैं। तो मेरे को कुछ ज़्यादा स्टोन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई थिंक मेरे को सिर्फ शॉट बनानी है, ज़्यादा कुछ नहीं करने हैं। बाकी ये मोड काफ़ी ज़्यादा हैवी मोड भी है, तो थोड़ा सा मैंने शटर को भी थोड़ा लो कर दिया अभी फिलहाल के लिए, और काफ़ी अच्छा बात है भाई, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े स्ट्रक्चर स्पॉन हो जाते हैं यहाँ पे। तो मैंने एक यहाँ पे पिकैक्स बना लिया है स्टोन की, और एक शॉट बना लिया है, देख सकते हो दोनों के दोनों को। और अभी चलते हैं यहाँ से ऊपर की ओर। बाकी ये काफ़ी ज़्यादा हैवी मोड भी है, और देखो मेरे को मोब सामने मिल चुके हैं, और देख सकते हो दोनों के दोनों यहाँ पे मोब है। तो शायद ये मोबाइल में भी ना चले, क्योंकि स्ट्रक्चर जब स्पॉन होते भाई काफ़ी तगड़ा लैग करवाता है। और देखो कॉक को जैसे मैंने किल किया, और ये देख सकते हो हमारे सामने स्पॉन हो चुका है एक डेजर्ट टेम्पल, देख सकते हो डेजर्ट टेम्पल। अभी डेजर्ट भी नहीं है फिर भी यहाँ पे डेजर्ट टेम्पल स्पॉन हो चुका है, और इसके अंदर मेरे को लूट देखने जाना है भाई। मेरे कैसे देख रहे हो यहाँ से नीचे चलते हैं। और भाई अंधेरा, इतना घोर अंधेरा भाई साहब, घोर कलयुग आ चुका है, अंधेरा ही अंधेरा यार। गलती से प्रेशर प्लेट पे पैर रख जाएगा मेरा, मेरे को नहीं देखना भाई यहाँ पे कुछ भी। चलो जल्दी से हम लोग ऊपर चलते वापस से, और मेरे को लाइट चाहिए होगी, और यहाँ टॉर्च तो हम लोग जल्दी बना नहीं सकते। जल्दी से यहाँ पहले निकलते बाहर, और थोड़ा सा ऊपर से हम लोग इसको खोल देते हैं, जिससे कि हम थोड़ा सा अंदर की लाइट आ जाए भाई, क्योंकि हमें दिख भी नहीं रहा कुछ भी। तो इसको थोड़ा सा खोल देते हैं, बस नीचे कोई ब्लॉक ना गिर जाए भाई उसके ऊपर, प्रेशर प्लेट के ऊपर। होप्स तो नहीं गिरेगा आई थिंक, मेरे को इतना विश्वास है। चलो खोदते हैं इस पर भाई। ओके ब्लॉक तो नहीं गिरा, ये भी ब्लॉक नहीं गिरा। ओके बाहर नहीं गिरा कोई भी ब्लॉक। चलो अभी जाके देखते हैं अंदर क्या होता है, मतलब मिलता है कि नहीं मिलता है। बाकी मैं ये क्यों यहाँ स्टोन वाला से टूटो यार, और चलो नीचे जाके देखते हैं क्या है इसके अंदर। बाकी अभी भी कुछ नहीं दिख रहा है भाई, थोड़ा और नीचे जाके देखते हैं कुछ समय सीख जाए भाई। और देखो थोड़ा सा दिख रहा है भाई, यहाँ पे प्रेशर प्लेट है, इसको हटा करके देखो। यहाँ पे एक प्रोटेक्शन वन की बुक मिल गई हमें, बाकी यहाँ पे गोल्ड है रखा हुआ, बाकी अंदर कुछ खास तो है नहीं। बाकी हमारा मिशन है लाइटर लाने का। यहाँ पे हमें आयरन मिल चुका है, तो कम से कम हम लोग आयरन के टूल्स वगैरह बना सकते हैं अभी। और यहाँ देखो हमारे यहाँ पे वुड मिल चुकी है, बोन भी। चलो देखते हैं आप क्या हम लोग पहुँच पाएंगे कि नहीं पाएंगे। और चलो यहाँ से जल्दी चलते ऊपर की ओर, और देखते क्या होता है। तो यहाँ से चलो जल्दी से ऊपर चलते वापस से, यहाँ पे ब्लॉक लगाते हुए चलो देख लेते क्या होता है। और चलो अभी दूसरे मॉब्स को भी मारने जाना है मेरे को, और यहाँ से बाहर निकलते सबसे पहले, और देखते क्या यहाँ पे है कोई और मॉब दिख जाए। और यहाँ देखो मॉब का भंडारा लगा हुआ है भाई। ओके इसको किल करके देखते, कुछ दे दो पिगी, पिगी दे दो। ओके पिगी ने कुछ नहीं दिया। देखो इसके क्रिएटर ने बोला है 60% चांस है कि मॉब आपको एक रैंडम स्ट्रक्चर दे देंगे, और देखो ये 60% में आता है सीपीआर, 40% लोग नहीं देंगे भाई। तो हर हिट में नहीं मिलने वाले मॉब्स, मतलब हर एक हिट में मिलने लगे तो भाई काफ़ी गंदा लगड़ा वाला लैग होगा भाई, ठीक है। तो इसको भी किल करके देखते हैं। और ये देखो इसने तो मेरे को सिप्रैक दे दिया। चलो इस सिप्रैक को चेक करके देखते हैं अंदर कुछ मिल जाए। ओके क्या यहाँ पे ट्रेजर मैप होगा, नहीं क्या होगा यहाँ पे देखते, इसके अंदर जाके देखना होगा। ओके ये देखो इसके अंदर तो गोल्ड है और लैपिस लाजुली, इसके अंदर कुछ नहीं है। बाकी यहाँ देखते हैं, और यहाँ देखो आयरन है, मेरे को थोड़ा सा आयरन और मिल गया यहाँ पे, और यहाँ पे थोड़ा एमरल्ड है और बोर्ड ऑफ इंचेंटिंग, बट इसकी कोई जरूरत नहीं मेरे को। तो यहाँ से बाहर निकलना है भाई, कि हमारा मिशन भाई इलाइटर लाने का, इलाइटरा बस हमें चाहिए, बाकी हमारा मिशन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से बाहर निकलना होगा मेरे को जल्दी से। चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं, पता नहीं इलाइटरा कब मिलेगा मेरे को, मतलब एंड सिटी मिल भी सकता है जल्दी, नहीं भी मिलता भाई, बहुत बार मुश्किल होता है। चलो देखते कभी कभी तो वन हिट में मिल जाता है भाई, पता नहीं मेरी किस्मत कैसी है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फिलहाल के लिए हम लोग क्राफ्टिंग टेबल से बना लेते कुछ आयरन के टूल्स, जैसे कि एक आयरन की पिक्स बना लेते हैं, और मेरे को लगता है एक आयरन की हमें स्वॉर्ड भी बना लेनी चाहिए, क्योंकि हमें ज़्यादा किल करना है भाई। तो किल करने के लिए स्वॉर्ड ज़्यादा अच्छा रहेगी आयरन की, क्योंकि स्टोन के स्वॉर्ड से भी कम ही डैमेज होगा, कम डैमेज होता है एज़ कम्पेयर टू आयरन की स्वॉर्ड। तो आयरन स्वॉर्ड ज़्यादा डैमेज देगी। तो चलो अभी आयरन की स्वॉर्ड तो हम लोग बना लिए। अभी चलो क्या आगे भी काफ़ी सारे मूव्स है, मतलब कि काफ़ी सारे मूव्स आप ट्राई कर सकते हो। बस एंटरमैन शायद काम नहीं करता है, ब्लेज वगैरह भी काम नहीं करता है, बाकी लगभग जितने भी मूव है सभी का आप लोग किल करोगे तो उनमें चांसेस है। ज़्यादातर ये आपको ये वाले जो काव है, सिप हो गई, चिकन हो गई, पिग हो गई, उनमें ज़्यादा अच्छा मिलता है। और देख सकते हो भाई क्या ही बड़ा मैंसन स्पॉन हो चुका है भाई सब, पता नहीं मेरा पीसी झेल लिया लेकिन इसको। और देख सकते हो कितना बड़ा यहाँ पे मैंसन स्पॉन हो चुका है भाई। तू निकल,
और ये भी कुछ नहीं दिया भाई। और देखो मैंसन कितना ज़्यादा बड़ा है, इसके अंदर जाके देखते हैं भाई क्या यहाँ पे वेंडिकेटर है। और देखो वेंडिकेटर की आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी, क्योंकि यहाँ पे वेंडिकेटर मतलब मोब्स भी बिल्कुल वही वाले रहते हैं अंदर में, ऐसा नहीं कि खाली रहता है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर भी भरे रहते हैं भाई मोब्स के साथ बिल्कुल। यहाँ पर अंदर क्रीपर वगैरह भी मिल जाए भाई, बस इसको हाथ में पकड़ लेते हैं, अपने दूसरे हाथ में पकड़ लेते हैं, बस कुछ दिख जाए। बाकी देखते हैं अंदर कोई है कि नहीं है। बाकी वेंडिकेटर से काफ़ी गंदा टाइम बता रही यार, ये पीठ पीछे हमला करता है भाई, देखते हो क्या ही मतलब क्या ही यार, ये क्या बोलते हैं भाई इसको, पीठ पीछे हमला करने वाले क्या बोलते हैं, और कायर 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 कहते हैं, हाँ कायर है भाई ये तो, पीठ पीछे वार करता है। चलो यहाँ से नीचे चलते हैं, थोड़ा खाना खा लेते हम लोग। बाकी मेरे को इस कायर को सबक सिखाना पड़ेगा, मेरे को इसको मारना है भाई, लेकिन इसको मारना इम्पॉसिबल है क्योंकि बिना शील्ड के इसको मार सकते नहीं है, और बिना कोई आर्मर के तो बिना शील्ड के मार सकते हैं, मतलब आर्मर रहता तो बिना शील्ड के मार भी सकते, बट बिना आर्मर के बिना शील्ड के मारना इम्पॉसिबल है भाई, उसका बहुत गंदा डैमेज होता है। ये देखो एक ही बार में मार दिया यार। चलो काफ़ी ज़्यादा दूर नहीं हम लोग, थोड़े जल्दी पास ही पहुँच पहुँच जाएंगे तुरंत ही। चलो यार जल्दी चलते हैं यहाँ से वापस वही जगह पे, और वहाँ पे देखते हैं कहाँ पे रखा है। और मेरे को थोड़ा मोड़ा सामान मिल गया, बाकी का पता नहीं कहाँ गया, पानी के अंदर तैर रहा है मेरा सामान। बाकी वो तो इंडिकेटर भाग गया इधर से उधर। चलो यहाँ से थोड़ा सामान और उठा लेते हैं, और देखो वो सामने खड़ा हो, देखो वहाँ पे क्या ही मतलब है, देखो पानी के अंदर सामान मेरा उड़ रहा है भाई, सबको कलेक्ट करते हैं जल्दी से, और उसके बाद हम लोग किल करते हैं और दूसरे लोगों को। चलो यहाँ से चलते आगे की ओर, और देखो सामने के सोर्स सिप एक और दिख रही है, चलो इसको किल करके देखते हैं, कुछ दे दो सिप रानी। रुक जा ओके, इसने तो सिप रैक दे दिया यार, मैंने इसको एक्सप्लोर कर दिया, मेरे को दूसरा कैप का स्ट्रक्चर दो यार। मैंने सिप रैक देख लिया, वुडलैंड मैंसन देख लिया, और डेजर्ट टेम्पल देख लिया भाई, तीन तरह के स्ट्रक्चर देख लिए। चलो देखते हैं नया स्ट्रक्चर कौन सा मिलता है हमें देखने को, बाकी इसको किल करके देखते हैं फिर से। ओके मार, इसने कुछ नहीं दिया, और देखते हैं इधर और कोई मूव तो दिख ही नहीं रहा है भाई अब यहाँ से। ओके उधर भी कोई नहीं है, और ये पता नहीं क्यों उड़ रहा है। बाकी देखो तीन चिकन मिले भाई, चलो उसको देखते हैं क्या मिलता है भाई तीन चिकन से। ओके 1 2 3 तीसरा चिकन, एक चिकन मारते थे, और ये देखो इससे वुडलैंड मैंसन नहीं चाहिए था। और ये कौन सा है भाई, ओके इसने कुछ दिया तगड़ा वाला, और ये देखो ये तो बास्टन दे दिया भाई यार, काफ़ी बड़ा लंबा चौड़ा बास्टन, और इसके अंदर की आवाज़ें सुन सकते हो भाई, क्या ही खतरनाक आवाज़ आ रही है भाई अंदर। अंदर जाने का मेरा कोई साहस नहीं है, हमारा मिशन है इलाइटर लाने का, अंदर जाके बास्टन में अपना प्रोनेस दिखाने का नहीं है, ठीक है। तो मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ, बाद में जाएंगे भाई, कम नहीं जाना मेरे को अंदर, बार बार मरे जाएंगे अंदर, सबसे अच्छा बेकार का अंदर जाकर कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी अभी देखते हैं थोड़ा सा और किल करके, बाकी गाइस बयान लेते वीडियो में शॉर्ट आउट, तो आज का शॉर्ट जाता है तनजीत को और एच एस गेमिंग को, तो शॉर्ट आउट टू यू गाइस, जैसे तरह कमेंट करते रहो। और अगर आप लोग भी शॉर्ट पाना चाहते हो हमारी वीडियो के बीच में, जाके कमेंट लिंक है डिस्क्रिप्शन में, अप्लाई कर सकते हो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाकर अप्लाई कर दो जल्दी जल्दी, ठीक है। बाकी अभी कॉ को भी मार दिया, बट यहाँ कुछ नहीं मिला, और रात होने वाली है, और मेरे पास बेड नहीं है। वाओ हाँ रुक जाना भाई तू यार, रुक जा माता रुकना भाई, रुक जा भाई के मर। ओके ये भी कुछ नहीं दिया, रात हो रहा है यार, मेरे को मूव कोई कुछ दे नहीं रहा है यार, मेरे को सीधा एंड सिटी दे दो भाई, एंड सिटी मेरे को बस जाना है, और यहाँ से लेटर लेकर आना है, बस मेरा ये मिशन है। बाकी ये लोग देने का मंजूर नहीं हो रहे, लगता है सही स्ट्रक्चर दिखा के मानेंगे लोग। चल निकल तू भी निकल, इस पीगी ने भी नहीं दिया, यहाँ तीन पीगी है, कोई तो स्ट्रक्चर दे दो, ये भी नहीं दिया। वाह भाई वाह, ये भी कुछ नहीं दिया, ये देखे इसको देखे, ये भी कुछ नहीं दिया। वाह ओके तू कुछ देते, मुर्गी 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 दे दे बे। ओके दिया इसने दिया, और इसने दिया नेदर फोर्ट्रेस। वाह नेदर फोर्ट्रेस का मैं क्या करूँगा, चार डालूंगा, इतना ज़्यादा अंधेरा है नेदर फोर्ट्रेस में, और अंदर जा भी नहीं सकते भाई अंदर, देखो ये देखो पूरा अंधेरा है भाई, मेरे को दिख भी नहीं रहा है अंदर जाके, कोई फ़ायदा भी नहीं है, ना टॉर्च हमारे पास, तो कुछ भी नहीं मिलेगा अंदर, तो यहाँ से निकलते भाई बाहर। और देखो रात होने वाली है, और रात होने पे मूव का आतंक छाने वाला है भाई, तो मेरे को जल्दी से बेड बना के सोना पड़ेगा कहीं पे, काफ़ी प्रॉब्लम हो रही भाई, जल्दी यहाँ से भागते हम लोग यार, कुछ भी मिल नहीं रहा। और फाइनली भागते भागते हम लोग गड्ढे में आ चुके हैं भाई, क्योंकि मेरे पीछे पूरा मूव का आर्मी लग चुका है, और मेरे पास वूल है, और मेरे पास बेड बनाने के लिए सामान भी है, बट मेरे पास क्राफ्टिंग टेबल नहीं है। मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, देख रहे हो तुम लोग, ये देखो मेरे पास वुड है, मेरे पास वुल है, चार वुल है, और चार प्लैंक है भाई साहब, मतलब क्राफ्टिंग टेबल है ही नहीं, क्या करूँ मैं, चार प्लैंक कम लग क्या बना लूँ, क्राफ्टिंग टेबल बनाए या फिर क्या बनाए भाई, तुम ही लोग बताओ। बेड बनाने के लिए मेरे को क्राफ्टिंग टेबल की जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, तो क्राफ्टिंग टेबल हम बनाना पड़ेगा, और मैं सोच रहा हूँ कि अभी बाहर से एक वुड मेरे को तोड़ के लाना पड़ेगा, तभी जाकर कुछ हो पाएगा। तो जल्दी से हम लोग क्राफ्टिंग टेबल को प्लेस करते हैं, और एक सोच रहे पैंट यहाँ पे बना लेते हैं, जैसे कम से कम कुछ तो प्रोटेक्शन मिलेगा अपना, जितना भी बचा हुआ आयरन है उससे। तो यहाँ पे चलो एक पैंट बना लिया हम लोगों ने, और इसको पहन लेते हैं, और चलते हैं अभी कमर बाहर, और थोड़ा सा पेट पूजा करके सीधा बाहर निकलते हैं, और जल्दी से अपना वुड लेके आते हैं भाई, क्योंकि हमें एक वुड चाहिए। ओके यहाँ से बाहर निकल चुके, और बाहर एक मकड़ी की इंतजार कर रही है, बस मारना मत तुम, कि एक वुड चाहिए, एक वुड लॉक दे दो बस, एक वुड लॉक मेरे को मिल जाएगा, मेरा अपना बेड बन जाएगा भाई, मैं सो सकता हूँ यहाँ पे। जल्दी से यहाँ पे वुड ले लिया भाई, भागो 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 यहाँ से भागो, अंदर घुसो अंदर घुसो अंदर घुसो अंदर घुसो, मेरे को मरना नहीं है, मैं काफ़ी ज़्यादा दूर आ चुका हूँ ढूंढते ढूंढते मूव को।
चलो फाइनली हमें बेड को ऐसे सामान तो मिल गया, बस इसे वुड बनाना है हमें और इसको लगा देना है बेड के लिए। बस यहाँ पे सीधा बनाते हैं बेड और जल्दी सो जाते हैं, अपना अचीवमेंट भी हो जाएगा पूरा, बाकी एक रात सर्वाइव भी हो जाएगी आराम से। बाकी मेरे पास वुल तो आ चुका था, अच्छी बात है वुल हमने सिप को किल किया था इसलिए मेरे पास वुड आ चुका था। इसको हटाओ और इसको यहाँ पर लगाओ और सो जाओ। तो फाइनली हम लोग को हो चुका है सीड ड्रीम्स का अचीवमेंट भी कंप्लीट और जल्दी सुबह हो जाए भाई। और चलते हैं बाहर यहाँ से, देखते क्या हो रहा है ठीक है बाहर। और मोब्स भी वगैरह मिल नहीं रहे भाई, क्या हो गया, स्पॉन नहीं हो रहे भाई। और देखो ये देखो कितना ज़रा यहाँ पे, सबसे पहले इससे शुभारंभ करते ही कुछ मिल दे देगी, कुछ देगी तू, नहीं देगी, नहीं देगी यार, नहीं दिया। तो देखो मॉन्स्टर हंटर का अचीवमेंट भी मिल चुका है हमें अभी। और चलो देख लेते हैं घूमते हैं और कुछ भी मिल जाए भाई। और देखो घूमते घूमते मेरे को दो पिगी का जोड़ा मिल चुका है, देख सकते हो सामने की ओर, मतलब काफ़ी दूर तक हम लोग आ चुके हैं यार, कोई पिगी मिल नहीं रहा था, अभी जाके मिल रहा है। इसको मारते चलते पहले क्या देगा ये। ओके इसने दिया मेरे को क्या, ये है कुछ वाइट वाइट इग्लू है, इग्लू। ओके इग्लू के अंदर कुछ होता है क्या, एक सेकेंड इसको तोड़ के देखते हैं। ओके इग्लू के अंदर तो कोई ट्रेजर होता ही नहीं है यार, ट्रेजर बूट वगैरह तो है ही नहीं। बाकी क्राफ्टिंग टेबल फरने से बेकार चीज़ है यार, मेरे को दूसरा जगह फरना पड़ेगा। चलो यहाँ से निकलते और चलते कहीं और। इसका जोड़ी पारी कहाँ गया भाई, एक और था। बाकी ढूंढते ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं मेरे को पता था, लेकिन यहाँ पे एक मोब नहीं मिल रहा भाई, क्या हो गया आज, मतलब दुनिया बदल गई यार, क्या करूँ। और मुर्गी, अरे यार मुर्गी मिली फाइनली, कुछ देगी मुर्गी की। ओके मुर्गी ने दिया है सिप्रैक, मेरे को नहीं चाहिए सिप्रैक यार, मेरे को चाहिए सिर्फ एक एंड सिटी दे दो, एंड सिटी दे दो भाई, भगवान के नाम पर एंड सिटी दे दो। और ये देखो यहाँ पे पिगी राजा कहाँ गया। ओके यहाँ पे एक और उसकी बहन भी है। ओके तुमको देखते हैं ये क्या दी, कुछ दी है, कुछ दी पता नहीं क्या दी। अरे यार वुडलैंड मेंशन से मेरे को नफरत है यार, मेरे को नहीं चाहिए वुडलैंड मेंशन, हट यहाँ से। ओके पिगी राजा, पिगी राजा कुछ तो दे दो, पिगी राजा रुक जाओ, रुक रुक, अरे रुक ना। ओके इसने कुछ दिया, इसने कुछ दिया, ओ भाई साहब इसने तो पूरा विलेज ही दे दिया यार। पिगी राजा मेरे को तुमसे उम्मीद थी, पर तुम विलेज की जगह थोड़ा सा एंड सिटी दे देते मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता, बट जो भी मिला अभी उसी से संतुष्ट रहना पड़ेगा हमें। बाकी जगह देख लेते हैं जो मिला अभी। बाकी देखो वहाँ सामने की ओर भी एक डेजर्ट टेम्पल है, पता नहीं उसको मैंने स्पॉन किया या फिर मूव अपने आप ही किल होते हैं तो उसमें शायद रैंडम स्ट्रक्चर निकल जाते होंगे, मेरे को पता नहीं क्यों होता है। काफ़ी बार मूव से अपग्रेड करके कहीं मर जाते हैं तो वो भी होता है भाई, उससे भी हो सकता है स्पॉन हो गया होगा दूसरे स्ट्रक्चर। बाकी मेरे को याद नहीं मैं वहाँ पर क्योंकि गया ही नहीं हूँ, मेरे को भी याद नहीं है। देखो बगल में भी एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, जबकि यहाँ पर मैं पहली बार आया हूँ तो हो सकता है अपने आप मर रहे हो। बाकी मैं देखो यहाँ से बस जा ही रहा था और ये अपने आप मेरे को मिल चुका है स्ट्रक्चर, आई थिंक यहाँ पे फिर से कोई अपने आप में मूव सुसाइड कर लिया है। और इसके नीचे मेरे को देख के लग रहा है ये स्ट्रॉन्ग होल्ड है भाई, देख सकते हो स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल चुका है, लेकिन मुझे स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए एंड सिटी डायरेक्ट यार। स्ट्रॉन्ग होल्ड के लिए फिर मेरे को आई ऑफेंडर चाहिए होगा, फिर ड्रैगन को मारो फिर एंड सिटी पहुँचो, नहीं मेरे को नहीं पहुँचना उस तरह से एंड सिटी, डायरेक्ट एंड सिटी खोजेंगे अभी हम लोग ओवर वर्ल्ड में, एंड सिटी स्पॉन करेंगे। और वो देखो दो विलेजर यार, ये दो विलेजर टाकू में क्या कर रहे भाई, ये देखो कितना दूर, मतलब कि इतना दूर क्या कर रहे हो ये दो विलेजर यार, तुम लोग दोनों क्या करने आए हो यहाँ पे, हनीमून बनाने आए हो तुम लोग, शर्म नहीं आता है, यहाँ पे क्वारंटाइन चल रहा है, क्वारंटाइन चल रहा है, समझ नहीं आ रहा, घर से लोग बोल रहे हैं बाहर फिर निकलने का नहीं निकलने का, कोरोना वायरस चल रहा है, समझ नहीं आता है। अरे इसने कुछ नहीं दिया यार इसको भी, देखो तेरा जोड़ी उदारी मर चुका है, बट तुम क्या करो जिंदा रह के, चल तुम भी निकल लो, तू भी निकल, कुछ तो स्ट्रक्चर दे दो यार, स्ट्रक्चर भी नहीं दिया, मार भी दिया यार, कुछ फ़ायदा भी नहीं होता इस तरह का चैच करने में। चलो लास्ट टाइम हम लोग ट्राई करते हैं। और ये देखो कितने सारे मेरे को सिप मिल चुके हैं फाइनली, और इसको बिल करके देखते हैं भाई। और यहाँ पे काफ़ी सारे मुझते और कुछ स्पॉन हुआ, ओके फाइनली हो चुका है भाई अपना एंड सिटी स्पॉन, मैं इसको ढूंढ ढूंढ के थक गया था भाई। सामने हमारे पास तीन और ऑप्शन है मूव्स के, बट इसको हम लोग नहीं मारने वाले बाकी सारे, क्योंकि हमें अपना फाइनल स्ट्रक्चर मिल चुका है। अब हमें सिर्फ यहाँ से इलाइट्रा लेके आनी है, और इसमें एंड सिटी का एक यहाँ पे मतलब कि आपको सिप भी देखने को मिल जाता है इलाइट्रा वाली, जिसके अंदर हमें जाना है। तो चलो यहाँ से जल्दी चलते ऊपर की ओर, वैसे मेरे को आइडिया नहीं है कैसा है यहाँ पे, क्योंकि मैं कभी ज़िंदगी में नहीं आया हूँ, फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ मैं एंड सिटी, आज तक मैंने कभी ज़िंदगी में एंड सिटी नहीं गया भाई। और देखो ये फाइनली ये स्टेयर आधा क्यों दिया हुआ है, पार्कोर करना है क्या। ओके पार्कोर वर्कोर मेरे को नहीं आता ठीक है, मेरे को आता है सीधा यहाँ पे ब्लॉक लगा के जाना। ये देखो पार्कोर करने का कोशिश कर रहा हूँ, होता ही नहीं यार, नहीं होता है, नहीं होता है मेरे से पार्कोर, क्या करूँ मैं करूँ मैं मर जाऊँ। अरे यार इधर से सीधा हम लोग अपना स्टाइल वाला पार्कोर करेंगे, सीधा ब्लॉक लगा के चलो यहाँ से ऊपर। आई एम नूब, इतना फालतू टाइम नहीं वेस्ट करते हम लोग यहाँ पे, चलो जल्दी 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 चलते हैं। और हमें सीधा इलाइट्रा से मतलब है भाई। ओके ये देखो सामने की ओर एंड शिप कहाँ है, ओके वो रही एंड शिप, देख सकते हो कितना नज़दीक है, बस हमें यहाँ से ऊपर जाना है और हम लोग पहुँच जाएंगे एंड शिप के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक। और यहाँ पे सीढ़ी बना के रखी है, अच्छा बात है यहाँ पे कोई सर्कल वगैरह नहीं है, वैसे सर्कल वगैरह रहता थोड़ा आसानी हो जाता, हम लोग उड़ के जा सकते थे, बट यहाँ पे कोई सर्कल मेरे को दिख नहीं रहा क्योंकि उनकी आवाज़ भी नहीं आ रही भाई। ठीक है तो चलो ऊपर जाके देखते थे जल्दी से ऊपर की ओर, और यहाँ पे क्या ट्रेजर वगैरह भी है। ओके यहाँ पे दो चेस्ट है सामने की ओर यार, इसमें जाते हैं। और देखो उधर बगल साइड में भी एक चेस्ट है, इसको एग्जिस्ट करके देखते हैं यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, इसको खोल सकते हैं यहाँ से। ओके इसके अंदर दो सैडल है, कोई काम का नहीं सैडल भाई। बाकी यहाँ से हम आगे जाना है, ये लगाओ ये लगाओ, और दो ही ब्लॉक थे मेरे पास, खत्म हो गया ब्लॉक।
और मेरे को पार्कौर करने का कोई शौक नहीं है, कहीं गिर गए ना तो फिर ऊपर चढ़ना पड़ेगा इतना दूर। चलो यहाँ से थोड़ा सा डर्ट लगा के चलते हैं सीधा आगे, क्योंकि ज़्यादा प्रोनेस दिखाने के चक्कर में पता चला गिर गया नीचे तो। और देखो यहाँ पे एक पिकक्स मिल चुकी है मेरे को, काफ़ी अच्छी पिकक्स है डायमंड की। बाकी यहाँ पे हमें एक आयरन का हेलमेट भी मिल चुका है, और देखते हैं इसके अंदर क्या हमें वो देखने को मिलता है। बाकी देखो यहाँ पे एक डायमंड की हमें चेस्ट प्लेट मिल चुकी है, एक डायमंड का हेलमेट भी मिल चुका है, मतलब आर्मर अपना काफ़ी मस्त मिल चुका है अपना एंड सिटी से, यानी कि इसमें लूट भी एंड सिटी की मिलती है भाई देखने को। चलो इसको पहन लेते हैं, पहनना या खोलना नहीं है, जस्ट इसको ही पहनो। और फाइनली हम लोग जाने वाले हैं एंड शिप के ऊपर, बट यहाँ पे ऊपर से रास्ता ही नहीं है, तो हम लोग शायद ऊपर से यहाँ से तोड़ के जाना पड़ेगा ऊपर की ओर, तभी जाकर हम लोग एंड शिप में पहुँच पाएंगे। तो इसको भी तोड़ो, इसको भी तोड़ो, और चलो यहाँ से ऊपर की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे लगाते हैं दो डट, ओके यहाँ से ऊपर जाना है भाई, ओके दो डट, तीन डट, चार डट, और देखो तो फाइनल में ऊपर आ गए, पहुँच चुके। और देखो सामने की ओर हमारा एंड शिप है भाई, तो यहाँ पे एक डट लगाओ और जल्दी से यहाँ से निकलो। ये देखो भाई साहब काफ़ी नज़दीक पहुँच चुके इलेक्ट्रा के, बस अब हमें यहाँ से इलेक्ट्रा लेना है। जल्दी चलो अंदर की ओर, देखते हैं यहाँ कहाँ पर इलेक्ट्रा है। तो ये देखो यहाँ पे पहुँच चुके हम इलेक्ट्रा के पास, और दो चेस्ट भी है यहाँ पे, देखते हैं इसके अंदर क्या है। ओके 5 6 7 डायमंड मिल चुके हैं इसके अंदर से, एक यहाँ पर डायमंड का हेलमेट है, बट है हमारे पास हेलमेट तो, बाकी चेस्ट प्लेट है चूंकि हमारे पास पहले से ही है। बाकी अपना मेन चीज़ आता है भाई इलेक्ट्रा, तो ये निकलता कैसे भाई? मैंने जावा एडिशन में आज तक किसको निकाल के नहीं दिखा, बताना कैसे निकलता भाई? मैंने इसको बहुत ट्राई कर रहा हूँ यार, निकल नहीं रहा है। निकल 2000 years later कल जा, ओके निकल नहीं रहा है, मेरे को अपना जुगाड़ लगाना पड़ेगा देसी वाला। ये देखो इस टाइप से निकालता है भाई, तो मेरे को बता देना कमेंट में कैसे निकलता है भाई, मेरे को भी नहीं पता चलता यार। पहली बार जावा एडिशन खेल रहा हूँ, मेरे को नहीं खेला यार जावा एडिशन, क्या कर सकते, पर निकलता ही नहीं आ रहा टेम्परेंस से, पता नहीं कैसे निकलता है। बाकी चेस्ट प्लेट उतारो और जल्दी से इलेक्ट्रा पहनो, और चलो उड़ान भरते अपनी ज़िंदगी की। तो यहाँ से चलो पहन लिया इलेक्ट्रा, बस चलो यहाँ से उड़ान भर के देख लेते क्या होता है। बाकी यहाँ पे पोशन है तो ये पोशन भी ले लेते हैं हम लोग, इंस्टेंट एनर्जी पोशन ले लिया। बाकी अभी हम लोग उड़ने के लिए तैयार है, तो सबसे पहले आते थर्ड पर्सन पर, तो और मस्त लग रहा है देख रहे हैं यहाँ से व्यू। आर यू रेडी टू फ्लाई? ये बॉय, तो देख सकते हो हम लोग फाइनली लाइटर पा चुके हैं और फ्लाई भी कर चुके हैं, तो आने का हमारा मिशन हो चुका है कंप्लीट भाई। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके जाना, और चैनल पे नए हो और सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर देना, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करके बजा देना। और हाँ अगर अभी तक शॉर्ट के लिए अप्लाई नहीं किया तो अप्लाई कर दो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। और अपना इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करना मत भूलना, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको भी जाकर जल्दी ज्वाइन कर लो। आज के दिन बस इतना ही, मिलते गाइस अगले गेम एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड टेक केयर गाइस।